अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। व्यूवर्स, आज जो मेरी वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊँगी कि आप अपने चेहरे को किस तरीके से इन क्रीमों के आदि होने से बचा सकते हैं। यस व्यूवर्स, तो जो भी मेरी बहनें और भाई इन क्रीमों के आदि हैं और वो कहते हैं कि जब भी हम इन क्रीमों को यूज़ करते हैं तो सही रहता है, बट जब इनको छोड़ते हैं तो बहुत ही साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लाइक ब्लैक हेड्स आ जाते हैं, स्किन पर पिम्पल्स आ जाते हैं, स्किन डार्क होने लगती है और बाल भी आ जाते हैं। तो व्यूवर्स, आज मैं अपनी टिप आपसे शेयर करूंगी कि अगर आप इनमें से कोई भी ऐसी क्रीम यूज़ कर रहे हैं, वैसे तो आई एम नॉट प्रमोटिंग, और जो फार्मलाज क्रीम है उनसे तो आप अवॉइड ही करें क्योंकि वो तो आपकी स्किन को बहुत सत्यानाश कर देती है। उसके अंदर मर्करी, केमिकल्स, पैराबिन्स और स्टोराइड, पता नहीं क्या क्या होता है। बट अगर आपने ख़रीद ही ली है अब गलती से, तो उसको पैरों और हाथों पर लगा कर ही आप उसको मुका दें, ख़त्म कर दें। तो व्यूवर्स, आपने क्या करना है, मेरी टिप है इस आपको कि आपने कैसे इसको यूज़ करें, और आप कोशिश करें कि एज आई टोल्ड यू ना ही इस्तेमाल करें कोई भी इस टाइप की चीज़, लेकिन बासुकत मजबूरी होती है और कुछ ऐसी चीज़ें तो डॉक्टर रिकमेंड कर देते हैं तो दैट्स गुड, क्योंकि डॉक्टर आपको बताते हैं कि हाउ टू यूज़ इट। बट कुछ आपने अगर देखा देखी में ले ली हैं, कोई ऐसी मेडिकेटेड क्रीम्स भी ले ली हैं, अब आप उनको यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है, मुसलसल यूज़ करें और स्किन आपकी जो ना पतली हो रही है उनसे भी, तो आपने क्या करना है, पहले तो आपने रोज़ वाटर की हाथ और मुँह पहले धो लें अच्छे से, टिश्यू पेपर से उसको साफ़ कर लें, फिर आपने रोज़ वाटर की अपने चेहरे पर स्प्रे करें और चेहरे पे डैप डैप करें, उसको मॉइस्ट छोड़ दें थोड़ा सा, बिल्कुल ड्राई नहीं करना है। फिर कोई भी क्रीम जो आप यूज़ करें, अपनी नाइट क्रीम को नाइट में यूज़ करें, दिन में बिल्कुल यूज़ ना करें ये सोच के कि आपको बहुत इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाएगा, नहीं। तो आपने क्या करना है, फिर क्रीम लेनी है स्मॉल क्वान्टिटी में, बिल्कुल हाफ पोर के साइज़ के बराबर लेनी है और उसको चेहरे पर पूरे हाथों पर लगा के चेहरे पर डैप डैप कर लेना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। और आप इनको अल्टरनेटिव डे में यूज़ करें और कोशिश करें कि जब तो तभी यूज़ करें। तो ये थी, रेगुलर यूज़ नहीं करना ना मुसलसल इसको यूज़ करना, क्योंकि जब आप छोड़ेंगे तो साइड इफ़ेक्ट होंगे। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।